चलो जगह पीढ़ी ओ भैया, मैंने आपको बोला चलो जेबी पीढ़ी। ओ भैया, सुनाई नहीं देता क्या? चलो जेबी पीढ़ी। अरे सुनाई देता है ना, पर शायद आपको नहीं दिखाई देता। चाय पीते पीते कैसे चलाएंगे हम? हाँ क्या आदमी हो यार, मेरे को लेट हो रहा है, चलो। अरे दूसरा रिक्शा पकड़ लो। क्या भाव क्या खा रहे हो यार इतना? चलो एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा यार, अब चाय रुको और चलो। साहब अभी तो पॉसिबल नहीं। क्यों? अभी पहला घूट ले लिया है ना, तभी झूठी चाय थर्मस पे नहीं डाल सकते, तो अब दूसरी रिक्शा ले लो। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना, आपको पता है इधर एक भी रिक्शा नहीं मिलने वाली है, फिर भी। हाँ तो पता है ना, तो रुकिए ना 5 मिनट, 5 मिनट में चाय खत्म, हम आपको पहुँचा देंगे। क्या बात है साहब, हम दोनों चाय पी रहे हैं। चीयर्स। एक्सक्यूज मी, दिस इज इन चाय कॉल्ड फ्रैपेचिनो। अरे क्रीम वाला चाय मालूम है हमको, हमारे जो छोटा भाई है ना, उसको भी लेके जाते हैं हम कभी कभी चाय पिलाने के लिए। उधर जू के है ना, बड़े कॉलेज में है, बीएससी पढ़ रहा है, बीएससी। तो उधर अभी का है, बड़े बड़े लोगों के साथ रहता है ना, तभी उसको भी चस्का लग गया, लेके जाते हैं हम कभी कभार। जैसे आपको पता नहीं है महंगी आती है, अफोर्ड कर पाते हो? देखो साहब, हमने ना रूल बनाया है उसके साथ कि महीने में सिर्फ एक बार लेके जाएंगे उधर। अभी खाए ये रिक्शा से हम 15 से 20 हज़ार कमा लेते हैं और उसमें से 500 साइड में रख देते हैं। आपको महीने का सिर्फ 15 से 20 हज़ार मिलता है? मेरे डायट ड्राइवर को महीने का 30 हज़ार देता है, आप घर कैसे चला लेते हो? चल जाता है साहब, कहा है कि हमारी एक बड़ी बहन भी है ना, वो दूसरे के घर पे जाके काम करती है, तो उससे आ जाता है थोड़ा पैसा, चल जाता है। सर अच्छा कुछ पढ़ लिया होता तो एटलीस्ट ढंग का काम तो मिलता। क्या बोले? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला। क्या बोल रहा? देखिए साहब, ये काम भी है ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये चाय गर्म है, आप हमारा सर मत गर्म कीजिए, हम पहले ही कह दे रहे हैं आपको। हाँ तो इसमें गलत क्या बोला मैं? देखियो रिक्शा चलाना कोई नोबल प्रोफेशन नहीं है, आप जैसे अनपढ़ लोग ही चलाते हैं। ओ साहब, हम भी 12वीं पास, अगर हमारा बाप नहीं मरा होता ना, तो अब तक पढ़ रहे रहते हम। ये बाप नहीं मरता और ये घर सपोर्ट करना पड़े, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस है, समझे आप? बिल गेट्स, इलोन मस्क, मुकेश अंबानी, ये लोग सब आपकी तरह रोते बैठते ना, तो आज जहाँ पहुँचे वहाँ होते भी नहीं। ये जिनके भी तुम नाम लिए ना, वो सब पहले से बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उनके पास, और आपको भी यही फायदा है, हमको ये फायदा नहीं मिला था, इसलिए हम है ना अपने भाई को देना चाहते हैं ये रिक्शा चलाकर। माना कि हम रिक्शा वाले इधर उधर जाने के लिए नखरा करते हैं, भाड़ा भी बढ़ाते हैं, पर साहब आपको एक बात पता है, ये भी है ना बहुत नोबल काम है। दिन हो, धूप हो, रात हो, बारिश हो, हम लोगों के सेवा में हाजिर रहते हैं हमेशा। तब किसी को हॉस्पिटल जाना होता है ना, और एम्बुलेंस लेट हो, तो हम ही पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, समझे? इतनी भी छोटी छोटी गली में से जो मिडिल क्लास लोग निकलते हैं ना, जिन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, उन्हें वक्त पे भी हम पहुंचाते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट को बिफोर टाइम पहुंचाने का जिम्मेदारी भी हमारा होता है। सब किस किस करना लायक भी नहीं होता है कि 1-2 रुपया ज़्यादा दे दे, या फिर जो मीटर के हिसाब से वो दे दे, पर हम चला के ले लेते कि ठीक है 1-2 रुपया कम दिया है बच्चे ने, लेट हो रहा होगा, जाने देता है ना। पर आपको क्या दिखता है? वो 1-2 लोग जो 2-3 रुपये के लिए बहुत नखरा करते हैं। इंसान में कितने भी अच्छाइयाँ हो, फर्क नहीं पड़ता है, आदमी को उसकी सिर्फ बुराइयाँ ही दिखती है। चलो साहब चलते हैं, हमारा चाय खत्म, हमारा भाषण खत्म, चलिए। जेबीपीडी रोड नंबर कौन सा बोले? सॉरी। अरे का सॉरी साहब, ठीक है आप समझ गए, हमको मालूम है, पर एक बात याद रखिए, आगे से ना हमको वो का कहते हैं वो जज मत कीजिए। हाँ
कोई बात नहीं। जेबीपीडी रोल नंबर कौन सा बोले आप? दो। अच्छा वैसे आपको भी ना कभी ये फ्रैपेचिनो ट्राई करने चाहिए, आपको पसंद आ सकता है, लेकिन आपकी चाय जैसा नहीं। हद हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पी, हद हद